नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले में लगातार बढ़ोतरी से देश चिंतित है। झारखंड सरकार भी इसकी रोकथाम में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। सरकारी से लेकर निजी अस्पतालों को इससे निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। झारखंड के स्टेट सर्विलांस ऑफिसर डॉक्टर विजय बिहारी प्रसाद ये कहते हैं कि ये अच्छी बात है कि राज्य में अभी तक ओमिक्रॉन का एक भी मामला सामने नहीं आया है। बावजूद इसके राज्य भर में चौकसी बढ़ा दी गई है। डॉक्टर विजय बिहारी ने बताया है कि अब कोरोना के जो भी पॉजिटिव मरीज मिलेंगे उन्हें किसी भी सूरत में होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन के द्वारा सभी पॉजिटिव मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। मरीज में चाहे कोरोना के लक्षण हो या ना हो, मरीज की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। विदेश से लौटने वाले पॉजिटिव मरीजों की जहां निश्चित रूप से जीनोम सीक्वेंसिंग होगी, वहीं सामान्य पॉजिटिव मरीजों को भी जरूरत पड़ी तो उनका भी जीनोम सीक्वेंसिंग कराया जाएगा ताकि समय रहते ये वेरिएंट का पता लगाया जा सके। बता दें कि झारखंड में अभी तक जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था नहीं है, यानी यहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण सैंपल भुवनेश्वर भेजा जाता है। हालांकि राज्य में दो जगहों पर जीनोम सीक्वेंसिंग लगाने की तैयारी है। डॉक्टर प्रसाद ने बताया है कि देखा गया है कोरोना के इस नए वायरस के फैलाव के लिए लोगों का एकदम पास आना या किसी तरीके से इसके स्पर्श में आना जरूरी नहीं है। कहा जा रहा है कि ये हवा में दूरी तय करके भी किसी को ग्रस्त कर सकता है। इससे न जानवर सुरक्षित है न मनुष्य। ये जरूर है कि बड़ी संख्या में टीकाकरण से इसकी गंभीरता देखने वाली होगी, लेकिन ये टीका लेने वालों को भी संक्रमित जरूर कर रहा है। विश्व भर में उपलब्ध टीके के इस वेरिएंट पर पूरी तरह से कामयाब होंगे या नहीं, इसके बारे में निश्चितता से अंतिम निष्कर्ष देना कठिन है। डॉक्टर प्रसाद ये भी कहते हैं कि हमें ये मानकर चलना होगा कि ये बीमारी आई है और अचानक जाएगी नहीं। हम पहली, दूसरी या संभावित तीसरी लहर की बात क्यों ना करें। सच यही है कि कोरोना पूरी तरह से गया ही नहीं। इसके मरीज जरूर घटते बढ़ते रहे, लेकिन कोरोना की उपस्थिति लगातार बनी रही। इसलिए जरूरी है कि ओमिक्रॉन को लेकर हाय तौबा मचाने की बजाय एहतियात और उपाय अपनाया जाए और बरता जाए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।